तो भैया बहुत सारे हमारे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले जितने एस्पिरेंट थे उनके दिमाग में प्रश्न आया कि सर एमपीपीएससी प्री में लगभग 30-35 क्वेश्चन किसके पूछे जा रहे हैं, एमपी जीके के। एमपी जीके में भी बहुत सारी चीजें हैं, एमपी का इतिहास है, एमपी का ना भूगोल है, एमपी की राजव्यवस्था अर्थव्यवस्था। तो जो कम समय अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर आपको फोकस ज्यादा रखना चाहिए, उन टॉपिक्स के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पारंपरिक दृष्टिकोण से इस विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास प्रीवियस एनालिसिस होना चाहिए। आप प्रीवियस जितने भी एमपी के अंतर्गत एग्जाम हुए हैं उसमें आप उन परीक्षाओं को देखेंगे, उन एग्जाम्स को देखेंगे, तो उन एग्जाम्स में आप एक कॉमन फैक्टर आपको जो है देखने के लिए मिलेगा कि भैया बहुत रेगुलरली उन कॉमन टॉपिक से एग्जाम आपको देखने के लिए मिलता है कि इन कॉमन टॉपिक से आपको क्या पूछा जा रहा है, रेगुलरली वहां पर एग्जाम पूछा जा रहा है या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उनमें मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, मध्य प्रदेश का भूगोल, सबसे पहले मैं इन दो यूनिट्स पे बात करूंगा। अब हम पहले अगर देखें तो मध्य प्रदेश के इतिहास का जो प्रस्पेक्टिव है, एमपी का हिस्ट्री, मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति और साहित्य, रेगुलर क्वेश्चन में साहित्य से शुरू करूंगा, एक रचना जरूर पूछी जा रही है, चाहे पद्माकर की हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी की हो, चाहे केशव दास की रसिक प्रिया हो, इस तरीके का कोई भी एक लिटरेचर आपको पूछ लिया जाता है, नवसहांस चरित्र जो है भोज के संदर्भ में हो, ऐसा इतिहास से जुड़ा हुआ कोई लिटरेचर जरूर पूछा जा रहा है, किसकी रचना है। तो हमें प्रमुख साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए, उसके लिए एक अच्छा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो बनेगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि प्रमुख जो साहित्यकार है बालकृष्ण नवीन जिनकी जन्मस्थली क्या है, क्या साजापुर है, क्या और कोई है, क्या माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थल नर्मदापुरम बाबई है या कुछ अन्य है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर उसमें भी हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं एमपी की तो तीन कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कोई आपको साहित्यकार दिया कि ये प्राचीन साहित्यकार हैं, मध्यकालीन साहित्यकार हैं या आधुनिक साहित्यकार हैं, इस तरीके के पैटर्न आप पकड़ें, उनमें आपको समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश। अभी क्या हुआ, जब से मेंस का सिलेबस बदला तो सिलेबस में आपने देखा महत्वपूर्ण रियासतों की चर्चा की जाने लगी, लेकिन प्रीलिम्स में अभी भी मैंने जो कॉमन पॉइंट देखा उनमें प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलनकारी या फ्रीडम मूवमेंट, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार है ना, रीवा का चावल आंदोलन, इस तरीके के जो आपके टुरिया जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी का जो सत्याग्रह, इस तरीके के जो प्रमुख इवेंट है, इनमें अभी जैसे संकरशाह रघुनाथ जी की बात होने लगी है, भीमा नायक, टंट्या भील जनजाति व्यक्तित्वों से जुड़े हुए प्रोटेस्ट की बात हो रही है, किन्हें कहाँ फांसी दी गई, एमबाई अस्पताल में किसको फांसी दी गई, आप कमेंट में बताना। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण घटनाएं, वन लाइनर, इसका अगर आप चाहते हैं कि मैं वन लाइनर आपको महत्वपूर्ण घटनाओं का करा दूं एक रैपिड क्लास में, तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलें और बताएं कि हाँ सर एमपीपीएससी में आप प्री का रैपिड फायर हिस्ट्री का करा दो वन लाइनर, कमी मैं 500-1000 अगर वन लाइनर करा दूंगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 10 क्वेश्चन में से उसमें से 8-9 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर हमने अभी बात की स्वतंत्रता आंदोलन में एमपी का क्या कंट्रीब्यूशन था, जैसे मध्य प्रदेश में भैया झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो का क्या इम्पैक्ट था, मध्य प्रदेश में जो गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे वो कहाँ पर था, वर्धा की भी कुछ कहानी जुड़ती है, विनोबा भावे की कुछ कहानी जुड़ती है, तो फ्रीडम मूवमेंट्स में एमपी कैसे कंट्रीब्यूट करता है, जनजाति व्यक्तित्वों के अलावा भी, जिसमें कि प्रमुख रूप से द्वारका प्रसाद मिश्र जैसे लोगों का नाम आता है, कांग्रेस के कुछ लीडर्स का नाम आता है, जबलपुर एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, इस तरीके के फैक्चुअल्स आपको याद रखना। फिर आप देखो तो हमारे यहाँ जो लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य, उसके मेजर कलाकार पूछने लगे, हम आजकल भूरी बाई की बात करते हैं, पेमा फाल्या की बात करते हैं, इस तरीके के नाम आपको रेगुलर मिलेंगे, उसके बाद तीजन बाई या अन्य कोई जो कलाकार हैं, उस किस खेल के, किस विधा के, किस नृत्य के, किस नाट्य के कलाकार हैं, ये चर्चित करेंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाता। इसमें ये भी मेंशन कर लिया जाता है कि इनको मध्य प्रदेश सरकार ने या भारत सरकार ने क्या कोई पुरस्कार दिया है, अगर दिया है तो वो सब चीजें, ठीक है, इस तरीके के फैक्चुअल्स को आप देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि ये
फिर धार्मिक और पर्यटन स्थल, जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है, खजुराहो किस जिले में है, कब बनवाया गया, किस शासक के द्वारा, टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का पर्यटन का फिक्स ही है, तो टूरिज्म से आप जरूर देखें बेसिक्स। एक टूरिज्म का 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का सीरीज में करा दूंगा, उसमें आपका चीजें कंप्लीट हो जाएगी। फिर है आपकी प्रमुख जनजाति व्यतीत, जिनकी मैं अभी चर्चा कर ही चुका हूँ, टंट्या भील पेम, आपके भीमा नायक जिनमें प्रमुख है, शंकर शाह रघुनाथ शाह प्रमुख है, जनजातीय कैरेक्टर्स। अब इसके बाद में ये अगर आप पूरा देखो तो लगभग 2,000 से 2,500 फैक्ट इसके बहुत अच्छे से मेरे पास है, जिनको हम डिस्कस करके एक बार में इसको फिनिश कर देंगे। 3-4 बार रिविजन करोगे यूनिट फिनिश। एमपी में इससे बहुत ज्यादा आपको गहराई में नहीं पढ़ना कि हम ये जाके ये राजवंश पढ़े, अमरदास के पहले कौन था, अमरदास के बाद कौन था भैया, फिर इधर हम सिंधिया के बाद आए तो कोजी पवार की बात करें, इसकी बात करें, उसकी बात करें, तो इतना ज्यादा आपको अध्ययन नहीं करना है, समय कम है। मैं बहुत क्विक बातें बता रहा हूँ काम की, जहां से सीधा क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करूंगा मध्य प्रदेश के भूगोल, जो सबसे ईजी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल में, सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो है मध्य प्रदेश की नदी, मध्य प्रदेश के झरने, मध्य प्रदेश के जलप्रपात, सिंचाई परियोजना, खनिज, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, जलवायु और वन। इन पॉइंट्स से सबसे ज्यादा रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। यही 7-8 टॉपिक है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसकी विशेषता क्या है, हालो कहाँ है, बंजर कहाँ है, ये नदी कितनी बहती है, इस पर कौन सी परियोजना, इसका अन्य नाम क्या है, ये वन एरिया कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश की जलवायु को किसने सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की कहा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कैसी है, उपाद्र कैसी है, भौतिक विभाजनों में सबसे ऊंची चोटी की बात कर लो, पठारों की बात कर लो, अपवाह प्रणालियों की बात कर लो, मिट्टी की बात कर लो। ये इजिएस्ट टॉपिक अगर इसको आप देखोगे तो लगभग 1,500-2,000 प्रश्न यहाँ पर भी निकलते हैं, पैदा होते हैं, और बहुत इजीली आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसमें एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का जो टॉपिक है, ये इसके डेटा याद करने में दिक्कत जाती, इसको कुछ ट्रिक से या कुछ एमसीक्यू से मैं अलग से सेपरेट करा दूंगा, जिससे आपको कुछ रिमाइंड रह सकता है, पर आप इसका लोड ना लें, एक आध प्रश्न आप माइनस करके भी चलेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत डेटा याद करना पड़ता है परिवहन। लेकिन आप सिंचाई की बात करें, कृषि की बात करें, पशुपालन, वन, ये जो पहला पॉइंट है यही बहुत सारी चीजें कवर कर लेता है। फिर है हमारा स्टेट पॉलिटिक्स या इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। इसमें पंचायती राज को बहुत जोर दिया गया है, महिला आरक्षण को बहुत जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख निकाय हैं, उनके सदस्य, उनके अध्यक्ष, इनकी पोस्टों को आप पढ़ लें, विधानसभा की संरचना को आप पढ़ लें, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के जो हायरार्की रही है, चीफ मिनिस्टर कौन रहे, सचिव कौन रहे, कमिश्नर कौन रहे, पुलिस अधीक्षक कौन रहे पहले, इस तरीके के जो बेसिक्स हैं अगर आप देखोगे तो 100-150-200 क्वेश्चन काम के निकलेंगे। पंचायती राज लागू करने वाला कमेटी, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें मेजरली आपकी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और हाईकोर्ट जो है, जिसकी बेंचपीठ भी पूछी जा सकती है, इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, कब हाईकोर्ट की बेंचपीठ इंदौर ग्वालियर में स्थापित की गई थी, 56 में नहीं थी, और तीसरी प्रस्तावित भोपाल में। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में मेजर जो क्वेश्चन आते हैं या तो जनसंख्या से जुड़ा हुआ कि भैया लिंग अनुपात कितना है, कहाँ है, क्या है, साक्षरता दर कितनी है, या जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्लानिंग से, जिसमें एसटीएससी की प्लानिंग्स बहुत पूछी जाती, महिला से जुड़ी हुई प्लानिंग्स जो बहुत पूछी जाती, जैसे लाडली बहना बहुत प्रमोट किया गया, हो सकता है कि प्रीलिम्स में लाडली बहना देखने को मिले, लाडली लक्ष्मी प्रमोट थी, आयुष्मान भारत प्रमोट थी, वो भारत की, लेकिन मध्य प्रदेश की जो प्रमुख प्लानिंग्स हैं उनको आप एक बार देख लो, तो इस पर भी लगभग 40-50 मेजर योजनाएं जिनमें लाभ किसको मिल रहा है, कब लागू की गई, किस किस क्षेत्र के लोगों के लिए है, कितनी राशि इसके अंतर्गत है, है ना, तो ये सब चीजें या किस विभाग या किस मंत्रालय के अधीन है, ये सब चीजें आपको पूछी जाती। तो एमपी जीके का सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन आपको ध्यान रखना है, जिसमें वन लाइनर 1,500-2,000 के आसपास, 1,000-2,000 के आसपास हिस्ट्री के फैक्ट। उसी में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि साहित्यकार, जनजाति व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं, आंदोलन, प्रोटेस्ट, मध्य प्रदेश में जो लोक नृत्य नाट्य संस्कृति है उससे जुड़े हुए, मध्य प्रदेश का भूगोल, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण, वन, नदी, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, जलवायु, सिंचाई परियोजनाओं जैसे प्रश्न, और यहाँ पर पंचायती राज और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, इस पर फोकस, और प्लानिंग्स जो इकोनॉमिक्स में पूछी जाती। इतना सिंपल है। अब यहाँ से 30-35 प्रश्न आते हैं तो आप 99% सही कर सकते हो। बस इन चीज़ों पर आप फोकस ज़्यादा रखो,
इन्हीं से पोर्शन ज्यादा पूछा जाएगा। एक से दो प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे, हमको लगता है कि कहाँ है लिखा है, तो उन प्रश्नों पर ऊर्जा वेस्ट करने की बजाय इन प्रश्नों पर लगाएं तो आपकी संभावना बढ़ेगी सेलेक्शन की। इसके अलावा आप लोग अगर कुछ और डिमांड चाहते हैं हमसे इस चैनल के माध्यम से या एप्लीकेशन में मैं जो कोर्स कराऊंगा उसके माध्यम से, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। दूसरा, हमने एक टेस्ट सीरीज निकाली, ये काम की चीज़ है आपके लिए, जिसमें मैंने 10 यूनिट कवर किए, फ्री टेस्ट सीरीज है, केवल 1 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। अभी इसमें हम 5 टेस्ट करा रहे हैं जिसमें हर टेस्ट में 2 यूनिट कवर है। ऐसे करके अगर आप बात करें तो आपकी 10 यूनिट के 500 प्रश्न हैं, जिससे आपको इसका वॉल्यूम 1 है, इसका अगला वॉल्यूम भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, जिसमें आपको अंदाजा लग जाएगा कि भैया टेस्ट सीरीज कैसी स्टैंडर्ड की है और कितने बढ़िया क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है। ये टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन से मिलेगी, एप्लीकेशन आप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा प्ले स्टोर का इस तरीके से लोगो दिखता है, आप इस पर प्ले स्टोर पर जाएं और इस पर डाउनलोड करें सिविल तैयारी एप्लीकेशन को। आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर हमारे अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते हैं। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दें, तो आप रेगुलर अपडेट्स में टच में रहेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देख रहा है उसका चयन निश्चित वो सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, हम आपके साथ हैं, आपकी तैयारी अच्छी है और बहुत समय है, प्रीलिम्स अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।